वेलकम और वेलकम बैक, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अमेजिंग किचन गैजेट जो कि आपकी किचन लाइफ को बेहद ही ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। नंबर 1 यूएसबी ब्लेंडर। दोस्तों ये एक रिचार्जेबल पोर्टेबल ब्लेंडर मिक्सर है। इस ब्लेंडर में फ्रूट्स को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर डाला जाता है और फिर उसका शेक बनाने के लिए आप इसमें दूध या पानी को मिलाकर इसके ऊपर के ढक्कन को बंद कर इसमें दिए गए बटन को दबाकर इसे शुरू कर सकते हैं, जिसके बाद ये ब्लेंडर कुछ ही सेकंड में आपके जूस को तैयार कर देता है। इस ब्लेंडर के अंदर ही एक छन्नी भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपको जूस को छानने के लिए अलग से किसी और बर्तन की जरूरत नहीं पड़ती। इस ब्लेंडर को चार्ज करने के लिए इसमें एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है और इसका साइज छोटा होने की वजह से आप इसे ट्रैवलिंग के समय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिट्रस स्प्रे। दोस्तों ये भी एक बेहद ही मजेदार गैजेट है, जिसे आप लेमन में फिट करके उसे एक स्प्रे बोतल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना इतना है कि सबसे पहले एक लेमन को लेकर उसे जमीन से रगड़कर सॉफ्ट करना होगा और उसके बाद आपको इस डिवाइस को अपने लेमन में फिट करना होगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद आपका लेमन स्प्रे तैयार है। इस लेमन स्प्रे का इस्तेमाल आप डायरेक्टली खाने पीने की चीजों में कर सकते हैं और साथ ही अगर आपका स्प्रे खत्म हो जाता है तो आप इस लेमन को फिर से चारों तरफ से दबाकर इस स्प्रे को चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोको क्रैक। दोस्तों इस टूल को कोकोनट को छीलने के लिए बनाया गया है, जिसमें दो भाग होते हैं। इसके पहले भाग में एक स्क्रू लगा होता है जिसे कोकोनट के अंदर फिट करके उसमें दिए गए पानी को निकाल लिया जाता है। कोकोनट से पानी निकालने के बाद इसमें दिए गए इस स्क्रू को वापस से कोकोनट में पूरी तरह से फिट कर दिया जाता है, जिससे ये कोकोनट ब्रेक हो जाता है और उसके बाद इस डिवाइस में दिए गए दूसरे पार्ट से इस कोकोनट के सूखे हुए हिस्से को अलग कर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे ये पूरा कोकोनट साफ हो जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज स्लाइसर। दोस्तों इस स्लाइसर का इस्तेमाल सॉफ्ट चीजों को काटने के लिए यानी कि स्लाइस बनाने के लिए किया जाता है। आप इस स्लाइसर की मदद से चीज और पनीर जैसी सॉफ्ट चीजों को पतली पतली स्लाइस में आसानी से काट सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ सॉफ्ट चीजों को इस स्लाइसर पर रख कर इस स्लाइसर को प्रेस करना होता है और उसके बाद ये स्लाइसर उस चीज के स्लाइस बना देता है। इस स्लाइसर की मदद से आप एग्स को भी काफी आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलीमीटर एक्यूरा। दोस्तों ये एक हाईटेक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जिसकी मदद से आप खाने को बिना टेस्ट किए उसमें मौजूद नमक की मात्रा का पता लगा सकते हैं। खाना बनाते वक्त आपको इसे अपने खाने में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए डुबोना होता है और उसके बाद ये आपको खुद ही बता देगा कि आपके खाने में नमक कम है या फिर ज्यादा। ये डिवाइस खाने में नमक की मात्रा का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि खाने में जितनी ज्यादा मात्रा नमक की होगी वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज बनाना स्लाइसर। दोस्तों ये एक छोटी सी स्लाइसिंग डिवाइस है, जिसकी मदद से किसी भी फ्रूट को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटा जा सकता है। सिर्फ बनाना के अलावा और भी कई सारे फ्रूट्स को इस स्लाइसर के जरिए काटा जा सकता है और उसके बाद अपने सुबह के नाश्ते में इन्हें फटाफट से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मेस्कोलिक्स स्टीरर। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक स्टीरर डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल बनते हुए खाने को लगातार चलाने के लिए किया जाता है। इस स्टीरर डिवाइस की मदद से खाने को जलने से तो बचाया ही जाता है, बल्कि उसे बार बार देखने के लिए वेस्ट होने वाले टाइम से भी बचाया जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्टीरर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी छोटे बड़े बर्तन के ऊपर आसानी से फिट हो सकता है, साथ ही इस स्टीरर की हाइट को भी बर्तनों के अकॉर्डिंग आसानी से फिट किया जा सकता है। ये डिवाइस बैटरी पर काम करता है, जो कि रिप्लेसेबल बैटरी है, और इस डिवाइस की एक बैटरी 15 आवर तक काम कर सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग किचन गैजेट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।